हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है साइकस के बीजांड की लंब काट, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ साइकस ओव्यूल, यानी कि साइकस के ओव्यूल की आंतरिक संरचना के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसको कितने आसान तरीके से हम बना सकते हैं। आज आप बहुत इजीली आप 2-3 मिनट में ही आप साइकस के बीजांड को बनाना सीख जाएंगे। देखेंगे, सबसे पहले हम साइकस के बीजांड में जो बनाएंगे, साइकस का जब बीजांड की बात करें और बनाना शुरू करें, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले इसके अंदर एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। ये जो आपने एक राउंड स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ये इसका मादा युग्मकोद्भिद है, इसी को हम एंडोस्पर्म कहते हैं जो हैप्लोइड होता है ये। और इस मादा युग्मकोद्भिद के अंदर लगे रहते हैं आर्किगोनिया। इसके अंदर क्या होते हैं? आर्किगोनिया लगी रहती हैं जिनको हम स्त्रीधानी कहते हैं और प्रत्येक स्त्रीधानी में एक एग होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? ये फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। इसको अगर चाहें तो हाथ हाथ लिखते भी चले तो ये हमने जो संरचना बनाई है वो बनाया फीमेल गैमेटोफाइट, यानी मादा युग्मकोद्भिद। देखिए फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, इसी को हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। ये एंडोस्पर्म है और ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ये विभिन्न कंपटीशंस में ये बात पूछी जाती है, तो साइकस में या जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूण कोष होता है एंडोस्पर्म, इसको हम भ्रूण कोष भी कहते हैं। ये ग्रोइंग एम्ब्रायो को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यही फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड होता है, इसका मतलब है अगुणित होता है। चलिए ये तो बात हुई, तो सबसे पहले हमने बनाया इसमें फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में ये बनाई आर्किगोनिया, स्त्रीधानी। आर्किगोनिया बनाई है, स्त्रीधानी होंगी और जिनके अंदर एग होगा। चलिए यहां एग के बारे में, ये एग तो प्रत्येक स्त्रीधानी में होता ही है, आप लोगों को पूर्व विदित है। और इसमें ये जो है, यहां हमने थोड़ा सा ये जो बनाया है पार्ट थोड़ा सा धंसा हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? आर्किगोनियल चैम्बर कहते हैं। इस पार्ट को कहेंगे आर्किगोनियल चैम्बर। लेकिन चलिए अब इसके ऊपर देखेंगे, यहां इसके ऊपर एक राउंड स्ट्रक्चर होगी, एक पतली परत, इसको हम बीजांड काय के नाम से जानते हैं। ये रेड कलर की हमने एक परत बनाई और ये है इसके अंदर, ये जो पार्ट बनाया हमने रेड कलर का, ये है बीजांड काय, यानी कि न्यू सेलस। इसको हैंड टू हैंड लिखते चलेंगे, बहुत आसान तरीका है, यहीं से शुरुआत करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म से, जिसके अंदर आर्किगोनिया होंगी और आर्किगोनिया में क्या होता है? एग बनता है, एग इसके अंदर पाया जाता है। तो ये जो पार्ट बनाया हमने, इसके ऊपर एक पतली परत बनाई है एंडोस्पर्म के ऊपर, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, इसका नाम है, इसको कहेंगे न्यू सेलस। इसको हम न्यू सेलस कहते हैं और इसका मतलब है बीजांड काय। ये बीजांड काय होता है इसमें स्थित। और इसके बाद आता है, बस यही एक तरीके से लगभग इसको कंप्लीट मानिए, और इसके ऊपर फिर क्या पाई जाती है? बस 3 लेयर्स पाई जाती हैं, एनवेलप पाया जाता है, आउटर कवरिंग, और जो अलग अलग लेयर्स के नाम से उनको जानते हैं। चलिए देखेंगे यहां, और हाँ यहां जो आप लोगों ने ये देखा भी, मैंने बताया यहां जो ये पार्ट बनाया हमने, इसको क्या कहेंगे? आर्किगोनियल चैम्बर, आर्किगोनियल चैम्बर कहेंगे इसको। ये आर्किगोनियल चैम्बर है, यानी कि स्त्रीधानी कक्ष होगा। और इसके बाद आता है, देखेंगे जहां आर्किगोनियल चैम्बर है यहां पर एक माइक्रोपाइल होगा, बीजांड द्वार। यहां पर हमने ये देखिए 2 लाइनें खींच दी हैं और यहीं से इस प्रकार से डिजाइन करेंगे कि एक राउंड सी स्ट्रक्चर, ओव्यूल जैसी संरचना या अंडाकार संरचना एक बन जाए। इस प्रकार से हमने इसको एक संरचना बना दी, जो बाहर की आउटर कवरिंग होगी ओव्यूल की, ये आसानी से बन गई है।
देखेंगे। और इसमें जो एक मिडल पार्ट में है, इसमें इसको दो भागों में बांट दीजिए, इसको यहां से लाइए एक लेयर और यहां पर इस तरह से कर देंगे। एक तरह से हम इसको आउटर कवरिंग, बाहर वाली कवरिंग बना रहे हैं। ये एक तरीके से बाहर की परत हो गई और ये मिडल वाली परत हम बनाने का काम कर रहे हैं। यहां पर दूसरी परत जो है क्या बन जाएगी, एक मिडल परत बन जाएगी दूसरी, देख ले थोड़ा नीचे से ले लें। तो यहां एक मिडल परत बन जाती है, देखें। तो यहां आप लोग देख रहे हैं कि तीन परतें आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो ये परत हो गई जिसको हम अलग तरीके से दर्शा रहे हैं साइकस के ओव्यूल में, देखेंगे एक लेयर ये हो गई है बीच में और एक इनर साइड हो गई है लेयर और एक लेयर ये हो गई है। आप देख रहे हैं इसको हम अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। एक तो ये लेयर हो गई, एक ये बीच की लेयर हो गई और थर्ड लेयर जो है वो क्या हो गई, आउटसाइड में, ये तीसरी लेयर जो है आउटसाइड में हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ओव्यूल का जो फीमेल गैमेटोफाइट है एंडोस्पर्म और न्यूसेलस को घेरे हुए तीन इंटेगुमेंट होती हैं, तीन परतें पाई जाती हैं, जिनको देखें ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम ये छिद्र दिखाई दे रहा है इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, यानी कि बीजांड द्वार कहते हैं। जो पराग होंगे वो यहीं आकर पोलन चैम्बर में जाकर यहाँ पोलन चैम्बर के पास पहुंचकर जर्मिनेट हो जाते हैं, फिर एग को फर्टिलाइज करने का यहाँ काम करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बात बताई, बीजांड द्वार से ही प्रवेश करेंगे जो मेल गैमिट होंगे नरयुग्मक, और जो माइक्रोस्पोर है यहाँ पर आकर जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाएंगे, पोलन ट्यूब इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और एग को फर्टिलाइज करने का काम करती है। तो माइक्रोपाइल हो गया। आप इसमें देखिए तीन लेयर हमने बनाई है, पहली लेयर ये वाली जो लेयर होगी फर्स्ट, इसको कहेंगे आउटर फ्लैसी लेयर, आउटर फ्लैसी, ये मांसल होती है, फ्लैसी का मतलब गूदेदार होती है, आउटर फ्लैसी लेयर होगी पहली परत। और इस आउटर फ्लैसी लेयर को हम स्क्लीरोटेस्टा भी, सैक्रोटेस्टा भी कहते हैं, इसको कहते हैं सैक्रोटेस्टा के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस लेयर का नाम है सैक्रोटेस्टा। फिर आती है देखिए दूसरी लेयर, ये सैक्रोटेस्टा हो गई और सेकेंड होती है, दूसरी लेयर होगी मिडल, और मिडल जो लेयर है वो थोड़ी सी ठोस होती है, कठोर होती है, तो इसको हम इस कठोर या सॉलिड लेयर को मिडल स्टोनी लेयर कहते हैं और इसको, इसका दूसरा नाम है स्क्लीरोटेस्टा, इसके नाम इसको हम सेकेंड, जो दूसरी लेयर होगी मध्य में जो होगी इसको हम मिडल स्टोनी लेयर या स्क्लीरोटेस्टा के नाम से जानते हैं। फिर आती है ये तीसरी लेयर और ये थर्ड लेयर भी कैसी होती है, ये भी फ्लैसी होती है, तो इसको कहते हैं इनर फ्लैसी लेयर, इनर फ्लैसी लेयर के नाम से इसको जानते हैं। तो इस प्रकार ये जो तीनों लेयर्स हैं, ये अगर हम तीनों लेयर्स की बात करें तो ये तीनों लेयर्स ओव्यूल में, देखिए बाहर की परत आउटर फ्लैसी लेयर होगी, गूदेदार मांसल होगी, दूसरी मिडल स्टोनी होगी और तीसरी जो लेयर है ये क्या है, ये भी फ्लैसी होगी, इनर लेयर। और इनको हम क्या कह सकते हैं, एनवलप कह देते हैं या इंटेगुमेंट कह देते हैं। ये क्या है, त्वचाएं हैं, इंटेगुमेंट। तो इस पूरे फीमेल गैमेटोफाइट की कवरिंग बनाती है ये तीनों प्रकार के इंटेगुमेंट, तीनों लेयर। और उसके बाद आता है देखिए कंडक्टिंग स्ट्रैंड पाया जाता है इसमें, यहां से जो इस पूरे ओव्यूल को वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग स्ट्रैंड। तो ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड पूरे में सारी लेयर्स में या ऊपर तक बीजांड को क्या करेगा, वाटर एंड
मिनरल्स की सप्लाई करने के लिए कंडक्टिंग स्ट्रैंड या वैस्कुलर स्ट्रैंड होता है इसमें, जो हमने आप अलग रेड कलर से दिखा दिया, तो इसको कहेंगे हम वैस्कुलर स्ट्रैंड। और इसमें वैस्कुलर स्ट्रैंड में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जो वाटर और जो खाद्य पदार्थ बनता है पौधों में उसकी सप्लाई करने का काम वैस्कुलर स्ट्रैंड करता है। मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन का काम या सप्लाई का काम वैस्कुलर स्ट्रैंड द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे साइकस के बीजांड की जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है LS है वो कंप्लीट हो जाती है साइकस के बीजांड की अनुप्रस्थ काट। एक बार अगर हम इसको और रिवाइज करें तो इजीली आप लोगों को फिर से समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले आप लोग क्या बनाएंगे, ये ब्लू कलर वाला क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, और इसके अंदर बनाएंगे आप फीमेल गैमेटोफाइट जिसे एंडोस्पर्म भी कहते हैं, और इसके अंदर आप आर्किगोनिया बनाएंगे, स्त्री धानिया कहते हैं आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया में एग होगा, और आर्किगोनिया में एक थोड़ा सा धंसा हुआ पार्ट बनाएंगे जिसको आर्किगोनियल चैम्बर कहेंगे, और इसके ऊपर एक लेयर बना देंगे जैसे कि एक नारियल जैसी एक वो हो जाती है कवरिंग, जैसे कि एक कटा हुआ नारियल पड़ा हो, तो इसको हम न्यूसेलस बीजांड काय कहेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया, और इसके ऊपर बस तीन परतें बनानी है, ऊपर एक ट्यूब जैसी संरचना दिखा के आप राउंड करेंगे और इसको तीन भागों में बांट देंगे, बाहर की परत, मिडिल और आंतरिक परत। तो इस प्रकार आप देखेंगे और उसमें ये कंप्लीट हो जाती है संरचना, और ये पूरी सारी परतों को जो सप्लाई करने का काम करता है न्यूसेलस को, एंडोस्पर्म को, और बाहर की आउटर कवरिंग को, इंटेगुमेंट को, जो मिनरल एंड वाटर सप्लाई का काम करता है वो वैस्कुलर स्ट्रैंड करता है। तो वैस्कुलर स्ट्रैंड हमने रेड कलर से बना दिया है। तो इस प्रकार देखें तो साइकस के बीजांड की लंबकाट कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज आप लोगों को ये साइकस के ओव्यूल की जो LS है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है या आंतरिक संरचना है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से कितने आसानी से हम बना सकते हैं। तो आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा है, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।